पुष्कर के महेश्वरी सेवा सदन में चल रही आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय बैठक में भाग लेने के लिए गुरुवार को सरकार वह भैया जी जोशी दत्तात्रेय होस बोले मुकुंद दास क्षेत्रीय प्रचारक दुर्गा दास सहित आरएसएस के कई पदाधिकारियों ने सरोवर के परशुराम घाट पर सामूहिक रूप से पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना की और ब्रह्मा मंदिर के दर्शन किए। बैठक में भाग लेने के लिए संघ व संघ के विभिन्न प्रकल्पों से जुड़े बड़े पदाधिकारी पुष्कर पहुंच गए हैं। शुक्रवार को पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रचारक अरुण कुमार ने बताया कि 3 दिवसीय बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले 3 दर्जन संगठनों के करीब 200 अखिल भारतीय पदाधिकारी शामिल होंगे। बैठक में शामिल होने के लिए संघ के बड़े पदाधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। बैठक में सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक कृषि पर्यावरण जल संरक्षण समिति और अन्य समसामयिक विषय पर मंथन होगा। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले संगठनों के कार्यकर्ता भी अनुभव विचार और उपलब्धियां साझा करेंगे। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह सहित कोई भी मंत्री भाग नहीं लेंगे। बैठक में देश हित के विभिन्न मुद्दों पर अगर कोई बात आई तो चर्चा होगी। उन्होंने पत्रकारों के राम मंदिर मुद्दे पर कहा कि फिलहाल यह हमारी बैठक के एजेंडे में नहीं है। अगर कोई कार्यकर्ता इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं तो इस विषय पर चर्चा की जा सकती है। महिला समाज से जुड़े हुए प्रश्नों का भी एक व्यापक अध्ययन किया जाए। एक योजक नाम की संस्था ने आगे पहल करने का तय किया था और अपने विभिन्न संगठनों में जो महिलाएं काम करती हैं उन्होंने उनका सहयोग किया। 2 वर्ष बड़ा एक व्यापक अध्ययन हुआ है जनजातीय क्षेत्र के अंदर महिला, अनुसूचित जमात समाज के अंदर महिला, कामकाजी महिलाएं, महिला जो छात्रा युवा जो युवतियां जो नई लड़कियां जो पढ़ने के लिए छात्रा जो छात्रावासों में रहती हैं, कामकाजी महिलाओं के प्रश्न, ऐसे सब विषयों के बारे में, घरों में रहने वाली घरेलू महिलाओं के प्रश्न, ऐसा एक बहुत बड़ा एक व्यापक और महिला समाज के प्रश्नों का एक अध्ययन किया है और उसका भी एक रिपोर्ट यहाँ पर सबके सामने रखा जाएगा। देश के अंदर महिलाओं की सामाजिक स्थिति, उनके प्रश्न और फिर इसके आधार पर जो निष्कर्ष निकल रहे हैं, तो महिला सशक्तिकरण, निर्णयों में भागीदारी, उनका स्वास्थ्य, उनकी सुरक्षा, ऐसे सब उनका विकास, समग्र विकास उनका, ऐसे सब विषयों में सब संगठन क्या क्या कर सकते हैं, किस ढंग से विचार किया जा सकता है, तो ऐसा एक विचार इस बार महिला समाज के प्रश्नों का भी एक यहाँ पर होने वाला है। अभी वो योजक नाम की संस्था इस मास में वो रिपोर्ट पब्लिकली भी जारी करने वाली है सितंबर मास में, तो वो यहाँ पर एक बार सबके सामने रखेंगे और उसको लेकर देश के प्रमुख संगठनों के कार्यकर्ता भी उसके आधार पर और अपने अपने संगठनों में क्या विचार कर सकते हैं, ऐसी एक चर्चा वहाँ पर ये रहने वाली है। अभी क्या बात है, अभी सुरक्षित है या नहीं है, ये क्या वर्तमान स्थिति? ऐसा होता है कि सीमाएं, उनके प्रति हमेशा जागरूक रहना ही होता है। जब किसी भी विषय पर विचार होता है तो आज हम कहाँ खड़े हैं उससे हमको आगे कैसे बढ़ना, कोई ये कहे कि हमेशा के लिए कोई रहता है ऐसा नहीं रहता, तो वो उसके बारे में एक सतत चिंतन करना पड़ता है। जैसे मान लो पिछली बार हमने युवाओं पर विचार किया, युवा नहीं है इसलिए नहीं, तो थोड़ा युवाओं में चिंतन करना चाहिए। समाज में परिवर्तन आता रहता है उसको ध्यान में रखकर, तो सीमा जागरण के लोग सीमा की स्थिति बताएंगे, उसके बाद सब लोग उसको लेकर चर्चा करेंगे, तो वो ऐसा विचार। वैसे तो अखिल भारतीय संघ के चालक जी, माननीय सरकारवा संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी वो कार्यकर्ता भी यहाँ पर पूरा समय है, जिन और सब विषयों पर चर्चा होगी उन सारे विषयों पर और आज के वर्तमान जो भी विषय हमारे मंच में होंगे उसको लेकर उन प्रश्नों का उत्तर जो है वो अपना 9 तारीख को इसी समय दोपहर को अपने माननीय सह सरकारवा दत्तात्रेय जी वो बोले उस अपनी इस और पत्रकार वार्ता में रहेंगे, बैठक की सारी जानकारी भी देंगे और बैठक की जानकारी के साथ साथ उस समय अपने सब प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए YouTube पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।